हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं ऐसे वीडियो लेके आए हैं जिसमें चार स्टॉक से मैं रिलेटेड बात करूंगा। और आजकल शेयर बाजार में काफ़ी गिरावट हो रही है, इस गिरावट में मुझे अच्छे अच्छे स्टॉक पे फोकस बना के रखना है और उसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके हमको खरीदारी करना है ताकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में हमें अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। तो दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा HDFC बैंक का। दोस्त अपने सेक्टर का मुझे सबसे बहुत ही अच्छा पसंदीदा शेयर है, इसलिए मैं इसे स्टार मार्क्स देना चाहूँगा। और दोस्तों इस स्टॉक में मैं आज की बात करूँ, लगभग 1% से अधिक का गिरावट हुआ है। इतनी बाजार क्रैश हुआ था फिर भी इसमें मात्र 1% के अराउंड में ही गिरावट हुई है। वहीं इसका मैं पिछले 6 मंथ की बात करूँ तो पिछले 6 मंथ में लगभग इसमें 34% से अधिक का रिटर्न दिया है। बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है 34% दोस्तों, कोई कम नहीं होता है। वहीं मैं सबसे अधिक दिन का चार्ट देखूँ तो यहाँ पर क्या जबरदस्त चार्ट है दोस्तों। ये स्टॉक पिछले साल ही स्प्लिट हुआ था इसका फेस वैल्यू, जिसकी वजह से इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अदरवाइज इसका प्राइस हमें 2000 के ऊपर शो होता। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करूँ, लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने जबरदस्त तरीके से रिटर्न दिया है, लगभग 18,000 से अधिक % का रिटर्न दिया है, 18,704% से अधिक का रिटर्न दिया है। तो ये अपने सेक्टर का सबसे मुझे बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक लगता है, इसलिए मैं आपको इस स्टॉक पर फोकस बना के रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसमें में गिरावट होती है तो प्लीज़ इसको आप लोग छोड़िए मत, इसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके खरीदारी करते रहिए। वहीं इसका थोड़ा सा मैं रिजल्ट से रिलेटेड देख लेता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे जून क्वार्टर में बहुत ही अच्छा खासा इसका रिजल्ट आया था। आज आप लोग जानते हैं कि बैंकिंग का जो प्रॉफिट होता है वो है इंटरेस्ट, जो बैंक लोन देता है उससे उनको इंटरेस्ट मिलता है, वहीं उनका इनकम होता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा इनका जून क्वार्टर में इनकम देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ आप इस पर फोकस बना कर रखिए, आप लोग इस आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। चलिए तो हम दूसरे स्टॉक से रिलेटेड बातें कर लेते हैं, देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा। दूसरा स्टॉक है दोस्त केमिकल सेक्टर से रिलेटेड, और ये स्टॉक भी अपना सेक्टर का बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट दिखाया है पिछले कुछ दिनों में, वो भी हम देखेंगे। तो इसमें आज इतनी गिरावट होने के बाद भी इस स्टॉक में 5% का अधिक का मुझे रिटर्न देखने को मिला है। तो ये दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है केमिकल सेक्टर का। तो प्लीज़ इस पर आप लोग फोकस बना कर रखिए, और इसमें यदि गिरावट होती है तो इसमें भी आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि इस स्टॉक पर खास करके फोकस बना कर रखिए, ये भी बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक है। वहीं अगर इसका मैं 6 मंथ की चार्ट देखूँ, क्या जबरदस्त चार्ट है दोस्तों। 6 मंथ में ये अपने शेयर होल्डर का लगभग 163% का अधिक का रिटर्न दिया है, यानी कि लगभग 3 गुना फंड का वैल्यू कर दिया, फंड वैल्यू कर दिया है अपने शेयर होल्डर का। वहीं इसका मैं लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाऊँ आपको, तो देखेंगे तो कहेंगे क्या जबरदस्त चार्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक लगभग 4600 से अधिक का रिटर्न दिया है, 4600% से अधिक का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में दोस्तों। कि यूं ही इसका चार्ट भाग रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसका मैं रिजल्ट की बात करूँ फाइनेंशियल का, तो यहाँ पे थोड़ा सा जून क्वार्टर में इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था, अदरवाइज इसकी स्टॉक हमें लगभग मतलब 1200 से अबव का देखने को मिलता। तो इस स्टॉक पे भी आप लोग फोकस बना के रख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो प्लीज़ आप लोग खरीदारी कीजिए। तो हम चलिए तीसरा स्टॉक बात करते हैं। दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल अभी न्यू है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं डेली बेसिस पे एक क्वालिटी स्टॉक लेके आता हूँ जो अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा दे सके। तो चलिए हम तीसरे स्टॉक की बात करते हैं। तीसरा स्टॉक है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड दोस्तों अपने सेक्टर का ये भी अच्छा खासा स्टॉक है, इसका भी मैंने स्टार मार्क देना चाहूँगा। ये भी आज के दिन में इतना गिरावट हुआ था फिर भी इसमें लगभग 1% से अधिक का रिटर्न शो हो रहा है। वहीं मैं इस स्टॉक का मैं 1 मंथ की बात करूँ, 1 मंथ की चार्ट दिखाऊँ, तो यहाँ पे लगभग 10.5% के अराउंड में रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं मैं इस स्टॉक का 6 मंथ की चार्ट बताऊँ, 6 मंथ भी इस स्टॉक में अपने शेयर होल्डर का लगभग डबल से भी अधिक मुनाफा कमा कर दिया है अपने शेयर होल्डर को, जो कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 109% से अधिक का रिटर्न दिया है दोस्तों पिछले 6 मंथ में। तो और इसका लॉन्ग टर्म की चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों इंटायर ऑटो सेक्टर में, सारे ऑटो सेक्टर में 2018 से गिरावट हुई थी, वहां से इस स्टॉक में भी गिरावट होना शुरू हुआ था। तो पूरा ऑटो सेक्टर का ही
ये रीजन था जिसको वजह से इसमें भी गिरावट देखने को मिला। वहीं इसका लॉन्ग टर्म की चार्ट देखो तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में लगभग बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लगभग 3238% से अधिक का इसमें रिटर्न शो हो रहा है। वहीं इस स्टॉक का मैं फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड बात करूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हैं थोड़ा सा सेल्स इसमें अच्छा नहीं है, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है पूरे देश में जिसको वजह से यहाँ पे सेल्स अच्छा नहीं हुआ कंपनी में, जिसको वजह से यहाँ पे रिजल्ट अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको जैसे यहाँ पे लगभग जैसे HDFC मैंने आपसे डिक्लेयर किया और उसके बाद में दीपक नाइट्राइड, अशोक लीलैंड और आखिरी स्टॉक है दोस्तों फुटवेयर कंपनी से रिलेटेड है रिलैक्सो, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। ये भी बहुत ही अच्छा खासा शेयर है अपने इंडस्ट्री का, लगभग सेकेंड नंबर पर स्टॉक है। तो इससे रिलेट इसमें भी अगर आज के दिन भी इतना गिरावट हुई है बाजार में फिर भी यहाँ पे लगभग 2% से थोड़ा सा ज़्यादा का इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है, इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं एवरी गिरावट पे, क्योंकि ये भी स्टॉक आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। तो इसका भी चार्ट देख लेते हैं पिछले 5 डे का, पिछले 5 डे में भी इसमें अच्छा खासा गिरावट हुई है लगभग 6% के अराउंड में, लगभग 5.5% से भी अधिक का रिटर्न गिरावट शो हो रहा है। वहीं मैं बात करूँ पिछले एक मंथ की, पिछले एक मंथ में भी इस स्टॉक में गिरावट हमको देखने को मिल रहा है। 6 मंथ की बात करूँ तो जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 6 मंथ में इस स्टॉक में लगभग हमें 26% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा बोला जा सकता है। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म भी इस स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने लगभग 4000% का रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक पर भी आप लोग फोकस बना के रखिए, अगर आने वाले दिनों में सब चीज़ ठीक होता है तो फिर इस स्टॉक का जो चार्ट है यूँ ही आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी मतलब अच्छा ही नहीं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा इस पर फोकस बना के रखता हूँ। और अपने व्यूअर को भी मैं एडवाइस देता हूँ कि इस स्टॉक को हमेशा अपने दिमाग में रखो, और इसमें गिरावट होती है तो इसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके आप लोग खरीदारी करते रहिए। तो दोस्तों आज मैं लगभग 4 स्टॉक में मतलब बात बताई और ये अपने सेक्टर का अच्छा खासा स्टॉक है, तो प्लीज़ इस पे आप लोग फोकस बना कर रखिए और एवरी गिरावट में आप लोग खरीदारी करते रहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि मेरा भी यूट्यूब चैनल ग्रो हो। और अभी इस समय आप लोगों का सपोर्ट की आवश्यकता है मुझे, और मैं हमेशा आपके लिए क्वालिटी स्टॉक ढूंढ के लाता हूँ जिससे आपके लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा है।